ईरान और रूस के दोस्ताना संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। पश्चिमी देशों के धुर विरोधी दोनों देश अक्सर साथ दिखते हैं। डिफेंस सेक्टर में भी दोनों देशों की जुगलबंदी पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बनती रहती है। एक बार फिर ईरान और रूस की बढ़ती नजदीकी देखी गई, जिससे इसराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल दावा है कि ईरान ने रूस और यमन के हुती विद्रोहियों के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई है, ताकि रूस लाल सागर की नाकाबंदी के बीच ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप को अपनी एडवांस एंटीशिप मिसाइलें दे सके। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अब तक याकूट सुपरसोनिक मिसाइलों की सप्लाई पर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। बता दें कि याकूट सुपरसोनिक मिसाइलों को P-800 ऑनिक्स के रूप में भी जाना जाता है। दावा है कि हूतियों के हाथ में ऐसे हथियार लगने से वो लाल सागर में और खतरनाक बन सकते हैं। रूसी हथियारों से कमर्शियल जहाजों पर अधिक सटीकता से हमला करने की हूतियों की ताकत और बढ़ जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो रूस की याकूट मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी। इससे इलाके की रक्षा करने वाली अमेरिकी और यूरोपीय युद्ध पोतों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। गाजा युद्ध के बीच हूतियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के आदेश पर कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाते हुए लाल सागर में समुद्री नाकाबंदी लगा रखी है। बताया जाता है कि रूस ने पहले लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला समूह को याकूट मिसाइल की सप्लाई की थी। शुरुआत में लाल सागर पर केंद्रित हूतियों के हमले अब हिंद महासागर समेत बाकी प्रमुख जलमार्गों तक फैल गए हैं। इससे इंटरनेशनल शिपिंग रूट पूरी तरह से बाधित हो गया है। इसके चलते इसराइल से संबंध ना रखने वाले दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय नाविकों तक को बंधक बना लिया गया है। 20 से अधिक देशों के अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के वैश्विक व्यापार और महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों की रक्षा के लिए हूती विद्रोहियों पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हूतियों की ताकत को बढ़ाने का कोई भी कदम लाल सागर और मिडिल ईस्ट दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो रूस याकूट सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के ट्रांसफर के लिए हूतियों से बातचीत कर रहा है। बताया जाता है कि ईरान दोनों के बीच बातचीत के लिए मध्यस्थता का काम कर रहा है। हालांकि ये सब पूरी सावधानी से और गोपनीयता बरतते हुए कदम उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान अपने ऊपर किसी भी तरह के पश्चिमी आरोपों को खुद से दूर रखना चाहता है। बताया जाता है कि याकूट हूतियों की ओर से अब तक इस्तेमाल की गई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम प्रणाली है। बीते जुलाई महीने द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया था कि रूसी मिसाइलों को भेजने पर विचार कर रहा था। वहीं अगस्त महीने में CNN ने बताया था कि रूस ने हूतियों को मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण देने की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर आखिरी मौके पर रूस ने अपने फैसले पर रोक लगा दी थी। ऐसी आशंका है कि अमेरिका और सऊदी अरब और पर्दे के पीछे के प्रयासों के बीच रूस को अपना फैसला पलटना पड़ा था। हूतियों और रूसी अधिकारियों ने इस साल तेहरान में कम से कम दो बार मुलाकात की। दोनों के बीच दर्जनों मिसाइलों सप्लाई की बातचीत चल रही थी। इनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में और बैठकें होने की उम्मीद है। बता दें कि ईरान पर हूतियों का आर्थिक, सैन्य और तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया कराने का आरोप लगता रहा है, जिससे यमन का ये समूह लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन ताकत हासिल कर सके।